Now, in this topic, we are going to see this 5.1 basic memory management. In basic memory management, partitioning, fixed and variable, free space management technique, bitmap, linked list. So I will try to complete this the first topic. That means not a complete topic, but basic memory management's partitioning and fixed and variable up to this at least. Next topic is 5.2, that is virtual memory. Hamare computer system mein jo memory available hoti hai, that is very small memory, and we need to more memory for execute the large programs. At that time, we required some virtual type of memory that is not physically present in our computer system, but it is virtual. And lastly, the page replacement algorithm. This page replacement algorithms, three different page replacement algorithms are there in our syllabus. That is a first in, first out. That is first in FIFO, optimal page replacement LRU, and least recently used. So this is always related with this page fault. It is related with page fault. Page fault का मतलब क्या है कि जो page हम call करने जा रहे हैं for execution and that is not available in the main memory. Then there may be the page fault. तो ये page fault को replace कैसे किया जाए? Page को replace कैसे किया जाए कि जहाँ पर page fault occur ना हो और occur होता भी है तो उसको कैसे हम बाद में use कर लें? So we'll see this all these contents in this unit. Basically, when we talk about the main memory management or simply memory. तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि यहाँ पर एक मेन मेमोरी है, एक मेमोरी है, और ये मेमोरी हैविंग सम कंटेंट्स ऑफ दिस मेमोरी, दैट मींस सम पार्टीशंस आर देयर इन द मेन मेमोरी और इन द सेकेंडरी मेमोरी आल्सो, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट, ये हमें पता है ये सब पार्टीशंस हैं। अब ये अगर बेस मेमोरी है या फिर मेन मेमोरी है, अगर ये मेन मेमोरी है तब यहां पर क्या रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज अपर मेमोरी एरिया. ये अपर मेमोरी एरिया है, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड होगा. फिर यहाँ पर ये पार्टीशंस में हम एप्लीकेशंस या फिर और भी कुछ कंटेंट्स है, ये कंटेंट्स यहाँ पे पुट करेंगे. तो ये सारा हम कहेंगे इसको मेमोरी मैप. सो दिस इज कॉल्ड एज मेमोरी मैप. तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है इस मेमोरी का. लेकिन अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूज हो रहा है, तो ये मेन मेमोरी नहीं है. सपोज ये मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी. ये सेकेंडरी मेमोरी है तो डेफिनेटली सेकेंडरी मेमोरी में भी कुछ कंटेंट्स तो रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, वो कॉल करेगा. हम उसे कॉल करेंगे मेन मेमोरी में. तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, इन दोनों मेमोरी को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए. हम इसे कहेंगे सेकेंडरी मेमोरी और ये है मेन मेमोरी. मेन मेमोरी या फिर बेस मेमोरी कहें तो सेकेंडरी मेमोरी कैपेसिटी कितनी होती है? 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 4 टेराबाइट. तो ये क्या है? हार्ड डिस्क है. मेन मेमोरी की कैपेसिटी कितनी होती है? मैक्सिमम होती है सपोज हम 4 GB से स्टार्ट करें, 8 GB है, 16 GB है. ये 16 GB तक हम कह सकते हैं 16 GB हमारे लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर सिस्टम में मेन मेमोरी है. और भी अगर एक्सटेंड करना चाहे तो फिर अगर सपोर्ट करता है आपका मदरबोर्ड तो यू कैन ऐड बेस मेमोरी, मेन मेमोरी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड मेन. लेकिन अगर बेसिकली अगर हम बात करें बेसिकली तो 1024 KB इतनी ही मेमोरी आपके कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल होती है. 1024 KB, 1024 KB मींस ऑलमोस्ट 1 MB, isn't it?
तो ये ऑलमोस्ट 1 MB मेमोरी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर 1 MB मेमोरी में हम अगर चाहें तो मुझे 4 MB का प्रोग्राम अगर एंटर करना है तो कैसे करूँ? मेरा प्रोग्राम जो है कंप्यूटर सिस्टम में जो मेरा प्रोग्राम है वो 4 MB का है और हमारे पास मेमोरी कितनी है? 1 MB की मेमोरी है मैक्सिमम, 1024 KB मीन्स 1 MB मेमोरी। तो मैं यहाँ पे इसको कैसे पुट करूँ? अब इस कंडीशन में या तो आप वर्चुअल मेमोरी यूज करो, या फिर वर्चुअल मेमोरी नहीं यूज कर रहे हैं आप तो आपको यूज करना पड़ेगा एक्सटेंडेड मेमोरी। तो जो भी 1 MB मेमोरी के बाद, आफ्टर 1 MB मेमोरी, वॉट एवर द मेमोरी इज अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड मेमोरी। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी मेमोरी है 1 MB के अलावा, ये तो हार्डवेयर का बात है सारा, ठीक है ना? तो ये हार्डवेयर है। तो 1 MB मेमोरी अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में है, बेस मेमोरी, उसके आगे जो भी मेमोरी हम ऐड करते हैं उस मेमोरी को हम कहते हैं एक्सटेंडेड मेमोरी। ऑलवेज रिमेम्बर, कुछ बुक्स में लिखा है एक्सपांडेड मेमोरी, एक्सपांडेड मेमोरी। ओके, यू कैन से दैट इट इज एक्सपांडेड मेमोरी आल्सो, एक्सटेंडेड मेमोरी या फिर एक्सपांडेड मेमोरी। इन मेमोरी के अलावा भी, ये दो मेमोरी के अलावा भी और एक मेमोरी होती है जो जो कि मुझे कुछ GB में चाहिए होता है। 8 GB है, 16 GB है, लेकिन मुझे चाहिए 40 GB। अब ये इसकी कैपेसिटी तो 40 GB है नहीं, तो यहाँ पर मुझे वर्चुअल मेमोरी यूज करनी पड़ेगी। नाउ हियर आई कैन यूज वर्चुअल मेमोरी, ठीक है? अभी ये इतना सफिशियंट है क्या कौन सी मेमोरी होती है, कैसे मेमोरी होती है। और यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी में तो पता ही आपको, ये एक आपकी हार्ड डिस्क है। सो दिस इज नथिंग बट एग्जांपल ऑफ हार्ड डिस्क, इजंट इट? सो दिस इज सेकेंडरी मेमोरी, इट इज अ मेन। तो मेन मेमोरी की कैपेसिटी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। इसके आगे क्या होता है, एक प्रोसेसर होता है, ठीक है ना? इसके आगे एक प्रोसेसर होता है। अब यहां पर एक मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, और यहां पर CPU भी है, प्रोसेसर भी है। नाउ इन बिटवीन मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर, इन बिटवीन दिस मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर, देयर इज अनदर टाइप ऑफ मेमोरी, दैट मेमोरी इज कॉल्ड एज कैश मेमोरी। ये मैं सिर्फ रिवीजन ले रहा हूं क्योंकि आपको पता है ये सारी चीजें, इनके इन दोनों के बीच में एक कैश मेमोरी होता है जो कैश करता है मेन मेमोरी से और पुट करता है प्रोसेसर में। प्रोसेसर में भी दो मेमोरी होती है, फिर प्रोसेसर में भी दो मेमोरी होती है, एक L1 L2, इनफैक्ट L3 भी होता है, एंड दैट इज नथिंग बट अ कैश मेमोरी, कैश मेमोरी टाइप, स्टैटिक मेमोरी ये प्रोसेसर में भी होती है। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ मेमोरी मैनेजमेंट करना है सेकेंडरी और मेन मेमोरी, लेकिन ये चीज होती है, ये कैश मेमोरी होती है जो कैश करता है मेन मेमोरी से और प्रोसेसर खुलता है। ये क्या जरूरत क्या है इसकी, हम ऐसे क्यों करते हैं? कैश मेमोरी हम क्यों यहाँ पे पुट करते हैं प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में? बिकॉज यू नो दैट सबसे फास्ट इसमें से कौन सा डिवाइस है, बताइए मुझे। इन तीन डिवाइस है आपके सामने, 1, 2 और 3, ये तीन डिवाइस में से सबसे फास्ट डिवाइस कौन सा है? तो ये प्रोसेसर और मेन मेमोरी का स्पीड मैच नहीं हो पाता है, तब यहां पर हम क्या करते हैं, एक और डिवाइस यहां पे पुट करते हैं जो कि मेन मेमोरी से भी फास्ट है। फिर ये क्या करता है, एडवांस में मेन मेमोरी से डेटा एक्सेस करता है, कैश मेमोरी में पुट करता है और प्रोसेसर को देता है। तो प्रोसेसर और कैश मेमोरी इनका जो स्पीड है अभी मैच हो पाएगा, तो यहाँ पर कैश मेमोरी दोनों के बीच में हम पुट करते हैं। अभी यहाँ पे हम कैश मेमोरी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको नहीं निकालता, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि हम मेन मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी तीन फैक्टर के ऊपर सिलेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर कौन सा है यहाँ पे, फर्स्ट फैक्टर यू हैव टू यूज टू सिलेक्ट द मेन मेमोरी और मेमोरी, दैट इज साइज।
Second one is access time. And third is cost per unit. ये तीन चीजें हैं, तीन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमें मेमोरी सिलेक्ट करनी है। तो इसका मतलब है कि साइज ज्यादा चाहिए हमें, मैक्सिमम साइज चाहिए, करेक्ट। अब एक्सेस टाइम मतलब क्या हुआ? एक्सेस टाइम मीन्स टू एक्सेस द पर्टिकुलर डेटा फ्रॉम द मेमोरी। साइज बड़ा है तो एक्सेस टाइम ऑटोमेटिकली कम होगा, लेकिन वी वांट टू हैव एक्सेस टाइम मोर एक्सेस टाइम। यहां पर एक्सेस टाइम ज्यादा चाहिए, लेकिन साइज ज्यादा है तो एक्सेस टाइम डेफिनेटली कम होगा। इवन साइज अगर ज्यादा है तो कॉस्ट पर यूनिट ये भी क्या होगा, कम होगा। सो द मेन मेमोरी डिपेंड्स ऑन दिस थ्री फैक्टर्स, द परफॉर्मेंस ऑफ मेन मेमोरी डिपेंड्स ऑन दिस थ्री फैक्टर्स। तो कॉस्ट तो कोई फैक्टर नहीं है एक्चुअली, लेकिन हम जब सिलेक्ट करते हैं मेन मेमोरी तब हम तीन चीजें सिलेक्ट करते हैं, तीन चीजें यूज करते हैं। पहला तो साइज देखते हैं, मेमोरी का ज्यादा से ज्यादा साइज हो, फिर साइज ज्यादा है तो एक्सेस टाइम डिक्रीज हो जाएगा, तो उसको भी हम कैसे कोप अप करें। कॉस्ट भी हम यहाँ पे देखना पड़ेगा, कॉस्ट भी हम कम कर सकते हैं। तो तीनों चीजें एक साथ कैसे आएंगी, साइज, एक्सेस टाइम एंड कॉस्ट पर यूनिट, तीनों चीजें कैसे आएगी इसमें मेन मेमोरी। तो ये हम कैसे ला सकते हैं मेन मेमोरी, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं लेता इसको। सिंपली हम क्या कहेंगे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोसेसर रिक्वायर्स टू एक्सेस सम प्रोसेसेस P1, P2, P3 फ्रॉम द मेन मेमोरी टू एक्सेस टू प्रोसेस दिस बाय द प्रोसेसर। अब यहां पर ये जो प्रोसेसेस है, ये ऑलमोस्ट द प्रोसेसेस आर अवेलेबल ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम इन द मेन मेमोरी इटसेल्फ। व्हेनेवर प्रोसेसर एक्सेसिंग ट्राइंग टू एक्सेस सम इंफॉर्मेशन सम डेटा सम प्रोसेस फ्रॉम द टू एग्जीक्यूट एट दैट टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोसेसर गेट्स इंफॉर्मेशन और प्रोसेसेस 90% हम कहेंगे 90% मेन मेमोरी में मिलेगा। फिर 10% कहाँ मिल सकता है, ये सेकेंडरी मेमोरी में मिल सकता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि 90% ये मेन मेमोरी में मिलेगा प्रोसेसर को, कोई भी प्रोसेस जब भी प्रोसेस एक्सेस करना है, ओके, तो ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। यहां पर इसका एक्सेस टाइम कितना है, फिर सेकेंडरी का एक्सेस टाइम, प्रोसेसर का एक्सेस टाइम क्या है, व्हेनेवर प्रोसेसर एक्सेस द प्रोसेस विच इज एक्चुअली अवेलेबल, सपोज P5 इज अवेलेबल एंड प्रोसेसर रिक्वायर्स दैट P5 विच इज नॉट अवेलेबल इन दिस मेन मेमोरी। P5 मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ पेज फॉल्ट। आप समझ में आया आपको पेज फॉल्ट क्या होता है? पेज फॉल्ट क्या होता है कि प्रोसेसर trying to access P5 which is not available in the main memory, that is called as page fault. Okay. अभी page fault की बात नहीं करना चाहते हम, बात करते हैं यहाँ पे access time क्या है इसका। Secondary memory का access time ये 100 millisecond. तो इसका access time कितना हुआ फिर? 10 millisecond. For example, 10 millisecond. क्योंकि 90% of 100% processes are available in the main memory. So the access time is 10 millisecond, and access time of a processor in a secondary memory for secondary memory is 100 milliseconds, suppose. So average, what is average memory access time क्या होगा इस प्रोसेसर का? P5
सेकेंडरी मेमोरी में है, उसको टाइम कितना लगने वाला है, उसका एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होगा, ये यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो हम कहते हैं इसको हिट रेशियो या फिर हिट परसेंटेज। हिट परसेंटेज क्या रहेगा यहां पर, हिट परसेंटेज क्या रहेगा, सो हाउ मच परसेंट डेटा विल अवेलेबल इन मेन मेमोरी, हाउ मच डेटा, हाउ मच परसेंट, हाउ मच परसेंट, हाउ मच परसेंट डेटा विल अवेलेबल इन मेन मेमोरी, दैट इज हिट परसेंट, दैट इज कॉल्ड एज हिट परसेंट फॉर द मेन मेमोरी, एंड हाउ मच परसेंट ऑफ डेटा विल अवेलेबल इन सेकेंडरी मेमोरी इन द सेकेंडरी मेमोरी, दैट इज हिट परसेंट ऑफ दिस सेकेंडरी मेमोरी। तो ये चीजें यहां पर हम अगर देखते हैं तो एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी सिंपल है। ये नाइन पहले मेन मेमोरी को ये देखेगा तो इसको कितना टाइम देना पड़ेगा, 0.9, क्योंकि 90% ऑफ 100%, 90% ऑफ 100% दैट इज 0.9, इसका एक्सेस टाइम कितना है 10, ओके, प्लस ये है 10% ऑफ 100% दैट इज मींस इट इज 0.1, और यहां पर इसके थ्रू जा रहा है मेन मेमोरी के थ्रू जा रहा है सीपीयू को, तो यहाँ पर भी टाइम वेस्ट करेगा ये 10 मिलीसेकंड, तो 10 मिलीसेकंड प्लस इसका एक्सेस टाइम कितना है 100 मिलीसेकंड, और ये देखें तो कैलकुलेशन अगर मैं पहले कर चुका हूँ यहाँ पे दैट इज 20 मिलीसेकंड। तो ये क्या बना यहाँ पे एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, दैट इज एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम। तो ये यहाँ पर एक सिंपल बेसिक थिंग है यहाँ पे कि मेन मेमोरी को कैसे हम यूटिलाइज करें विथ रिस्पेक्ट टू साइज, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेस टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, ये हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद इस मेमोरी मैनेजमेंट को दो तीन तरीके से, जैसा कि यहाँ पे पार्टिशनिंग कैसे होगा, फिक्स्ड वेरिएबल और फिक्स्ड एंड वेरिएबल साइज पार्टिशनिंग कैसे हम करेंगे हम देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम स्टार्ट जब करते हैं बेसिक मेमोरी मैनेजमेंट को, सो व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मेन मेमोरी मैनेजमेंट और सिंपली मेमोरी मैनेजमेंट, क्या क्या फंक्शंस होते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के। पहला फंक्शन क्या होगा इसमें, कीपिंग ट्रैक ऑफ द स्टेटस ऑफ ईच मेमोरी लोकेशन अलोकेटेड और फ्री। यहाँ पे हर एक मेन में इसका मेमोरी मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है, कीपिंग ट्रैक ऑफ द स्टेटस ऑफ ईच मेमोरी लोकेशन। जो मेमोरी लोकेशन होते हैं इसमें हर एक मेमोरी लोकेशन का स्टेटस यहाँ पे रखना, सो कीपिंग ट्रैक ऑफ द स्टेटस ऑफ ईच मेमोरी लोकेशन, ये अलोकेटेड है या ये फ्री है, इसका स्टेटस रखने का काम बेसिक मेमोरी मैनेजमेंट। डिटरमाइनिंग अलोकेशन पॉलिसी फॉर मेमोरी, अगर अलोकेट करना है तो कौन सी पॉलिसी यहां पे यूज होगी, सो डिटरमाइनिंग अलोकेशन पॉलिसी फॉर मेमोरी। अपडेटिंग मेमोरी अलोकेशन इंफॉर्मेशन, अपडेट करना यहाँ पे यहां से ये पार्टीशन में से जो भी इंफॉर्मेशन है प्रोसेस है वो प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन के लिए दिया, फिर उसके बाद ये जो पार्टीशन है इसको अपडेट करना, इसका इंफॉर्मेशन अपडेट करना, डीअलोकेट कर देना, अलोकेट करना और डीअलोकेट करना, ये बेसिक इंफॉर्मेशन रखना बेसिक मेमोरी मैनेजमेंट का काम है। सो बेसिकली दिस फोर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय मेमोरी मैनेजमेंट, कीपिंग ट्रैक of memory location, allocation or allocated or free, policy कौन सी decide करना है यहाँ पे, update करना है allocation information और deallocation of memory करनी है। तो ये
चार फंक्शंस होते हैं बेसिक मेमोरी मैनेजमेंट के। दो टाइप के पार्टीशनिंग यहाँ पे होते हैं, फिक्स्ड पार्टीशन एलोकेशन और वेरिएबल पार्टीशन एलोकेशन। तो हम ये शॉर्ट में हम लेते हैं, उसके बाद हम बंद करेंगे, बाद में नेक्स्ट टाइम सीरीज रिमेनिंग पार्ट। सो फिक्स्ड पार्टीशन एलोकेशन, यहाँ पर एक तो जो मेमोरी है सो दैट मे बी ऑफ फिक्स्ड साइज पार्टीशंस। फिक्स साइज पार्टीशन इन द सेंस दैट इट विल नॉट चेंज। अगर ये 10K का पार्टीशन है तो थ्रू आउट सिस्टम इट विल ऑलवेज 10K। ये 20K का है, ये 25K का है, ये 10K का है, ये 20K है, 10K, 5K, ओके। सो दिस इज फिक्स्ड पार्टीशन एलोकेशन। दैट मींस देयर इज नो एनी चेंज इन द पार्टीशन। जब भी हम देखें तो यही पार्टीशन आपको मिलेगा, 10K, 20K, 25, 10, 20, 10, 5, यही मिलेगा। सो दिस डिवाइड द मेमोरी इनटू नंबर ऑफ फिक्स्ड साइज पार्टीशंस, दैट इज अ फिक्स्ड पार्टीशन एलोकेशन। तो यहाँ पर कितना डेटा बैठ सकता है, कितना प्रोसेस बैठ सकता है जिसका साइज ये अप टू 10K हो। अप टू 10K है तो यहाँ पर हम फिट करेंगे। ईच पार्टीशन में कंटेन एग्जैक्टली वन प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेस P1, P2, P3 लाइक दिस। तो ये प्रोसेसेस यहाँ पर हम फिट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोसेस। So whenever the partition is free, for example, यहाँ पर कोई partition में available नहीं है data, लेकिन ये partition का size 10K है, 25K है suppose. When the partition is free, a process is selected from the input queue and is loaded into free partition. तो यहाँ पर ये load कर दिया जाएगा, फिर चाहे वो 25K का हो या फिर 20K का हो या फिर 10K का हो, जो भी है यहाँ पर। लेकिन 26K यहाँ पे नहीं बैठेगा, ये तो हमें भी पता है, ये नहीं बैठ सकता यहाँ पे। When the process terminates, इसका काम हो गया, it becomes available for another process. ये process, for example, ये इसका terminate हो गया, मतलब इसका P3 का execution खत्म हो गया, तो ये जो खाली जगह बचेगी, so that will be available for other process. So when process arrives and need memory, we search for a hole large enough for this process. So here is a hole. We search for a hole. Now this is called hole. So large enough hole. जब भी यहाँ पर partition खाली हो जाता है, यहाँ पे empty हो जाता है, ठीक है, अब ये empty हो गया, empty होने के बाद इसे हम होल कहेंगे। सो होल साइज इज 25K सपोज, इट इज 20K सपोज, तो 25K, तो होल साइज कितना हुआ यहाँ पे 20K का और 25K का। सो व्हेनेवर प्रोसेस अराइव्स एंड इट नीड्स अ मेमोरी, सो वी सर्च फॉर अ होल व्हिच इज लार्ज इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस 25K। तो 25K लार्ज इनफ, और यहां पर 20K का प्रोसेस यहां पे रिसेट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज फिक्स पार्टीशन एलोकेशन। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, जरूरी नहीं ऐसा ही हो, यहां पर दूसरा भी एक कंसेप्ट आ सकता है। दूसरा कौन सा कंसेप्ट आ सकता है यहां पे, कि इंस्टेड ऑफ सेम वेरिएबल साइज ऑफ fixed partitions, there may be variable size of fixed partitions or same type of partitions, same type, I mean, मतलब same size, not same type, but same size. Same size in the sense कि यहां पर ये 10K का है तो सारे partitions कितने के होंगे, 10K के होंगे, 10K। तो यहां पर 10K का ही डेटा, 10K का ही प्रोसेस यहां पर फिट हो सकता है, अप टू 10K का ही फिक्स हो सकता है। इट इज अ फिक्स पार्टीशन एलोकेशन। दूसरा स्ट्रेटेजी कौन सा है यहां पे,
दूसरा भी एक स्ट्रेटेजी है कि अलग अलग साइज के लेकिन फिक्स, हो सकता है एक 10 के का है, हो सकता है एक 20 के का है, हो सकता है एक 30 के का है और बाकी 10 के के हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 10 के का है, ये 20 के का है, 1, 2, 3 ये 30 के का है, ये 10 के, दिस इज 10 के, बोथ आर फिक्स पार्टीशन अलोकेशन, फिक्स पार्टीशन अलोकेशन मीन्स थ्रू आउट द प्रोसेस देर विल नॉट बी चेंज। 10 के है तो हमेशा के लिए 10 के ही रहेगा, और ये 10 के, 20 के, 30 के, 10 के, 10 के, तो ये हमेशा के लिए वही सा ही रहेगा। सो दिस इज फिक्स पार्टीशन अलोकेशन लाइक दिस। यहाँ पे था बात, तो मेहनत किया मैंने। हियर इज अ वन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अनइक्वल साइज फिक्स पार्टीशन और ये इक्वल साइज फिक्स पार्टीशन। 10 के, 10 के, 10 के, सारे 10 के हैं और अनइक्वल, कुछ 20 के हैं, कुछ 8 के भी है, कुछ 12 के हैं, 10 के, 20 के। ऑल मेमोरी इज अवेलेबल फॉर यूजर प्रोसेसेस एंड इज कंसिडर्ड एज वन लार्ज ब्लॉक ऑफ अवेलेबल मेमोरी दैट इज कॉल्ड एज होल। Any process hole size is less than or equal to the partition size can be loaded into any available partition. ये available हो सकता है, ये available हो सकता है, ये available हो सकता है, depending on the hole size of that particular memory partition, that process can be fit, that process can be load. If all memory partitions are full and needs memory operating system searches for large enough for this process. If all memory partitions are full, सारे memory partitions full है और इसे क्या चाहिए, memory चाहिए, तो operating system क्या करता है, एक search करता है यहाँ पे कि large hole कहाँ पे है उस particular process के लिए। Suppose process 6 is here, if all partitions are full and no process is in ready or running state, the operating system can swap a process out of the partition and load in another process. For example, this process is finished its work, its execution. It will swapped out by the operating system and इस जगह पे इस P6 को, process को ये space allocate किया जाएगा. So this is about the fixed size partitions.